अंकलेश्वर जीआईडीसी विस्तार में आवेल सारंगपुर गामनी आत्मीय रेसिडेंसी में मारामारीनी घटना सामे आवी छे। बनावनी प्राप्त पोलीसे सूत्रोए माहिती मुजब जयशंकर रामकिशन मिश्रा आत्मीय रेसिडेंसी सारंगपुर घरे हता। ते दरमियान तेमना मकाननी लाइन में आवेल मारवाड़ीनी दुकानथी पोताना छोकराने लई घरे आवता हता। ते दरमियान दुकान पासे आत्मीय रेसिडेंस में रहता मेहुल नामना ईसन साथे बोलाचाली थई हती। ते दरमियान मेहुले फरियादीने बे तमाचा मारी दीधा हता। त्यारबाद फरियादी घरे आवी गया हता। त्याज पासळ मेहुल अने त्रण ईसम साथे मेहुल नामनो ईसम फरियादीना घरे लाकड़ीना सपाटा लई आव्यो हतो अने फरियादीने मेहुल द्वारा माथाना भागे लाकड़ीने सपाटो मारी दीधो हतो, तेमज अन्य त्रण ईसमो द्वारा ढीकापाटूनो मार मार्यो हतो। तेमज माँ बेन समान गाळो आपी फरियादीने जानथी मारी नाखवानी धमकी आपी हती। फरियादीनी पत्नी सोडावा वच्चे पड़ता मेहुल साथे आवेल त्रण ईसममांथी एक ईसमने फरियादीनी पत्नीने पण हाथना भागे सपाटो मारी दीधो हतो, तेमज फरियादी साथे मारामारी करी जानथी मारी नाखवानी धमकी आपी जता रह्या हता। ते बाद बाजूमां रहेता ईसम द्वारा फरियादीने तेमज तेमनी पत्नीने इजाग्रस्त हालतमां ગંડખોલ પીએચસી સેન્ટર ખાતે સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરિયાદીના માથાના ભાગે 3 ટાંકા આવ્યા હતા। તેમજ ફરિયાદી દ્વારા અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરાતા પોલીસે ફરિયાદીની ફરિયાદીના આધારે આગળની તપાસ હાથ ધરી આરોપીઓને ઝડપી પાડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી। ઓ લડકા દુકાન પે સામાન લેને ગયા થા, છોટા લડકા થા, બોલા કે સરક જા, ખસક જા, और वो दो चार लुखे मुंडे वहाँ बैठे रहते हैं दारू पी के, और उनकी दादागिरी वो चाहते हैं कि लड़ाई हो। बोले क्या बोला? बोला अरे भाई कुछ नहीं बोला। इतने में वो लोग चार थे आए मारने के लिए, मैं अंदर थी, मेरे आदमी बाहर थे। वो गए अपने लड़के को एक चाटा मारे और बोले चल। वहाँ एक मेहुल नाम का गुजराती था, वो मेरे आदमी को मारने लगा। मैं पहले पुलिस में गई तो ऐसा पुलिस बोला कि पहले जाके मेडिकल करवाओ, चोट ज़्यादा लगी है, पहले जान बचाओ फिर हम केस देखते हैं। धमकी क्या दिए वो कि अगर जीना है तो अंदर हो जा, नहीं तो जान से मार डालूँगा तेरे आदमी को। आप उनको पहचानते हो? कौन कौन थे वो? पहचानती हूँ, नाम नहीं जानती हूँ, कभी नहीं देखी हूँ, अपने रास्ता जाती हूँ अपने रास्ता आती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ को दारू पी के गुंडे बैठे थे। वो लोग कहाँ पे रहते हो पता है आपको? हाँ वहीं बंगलोज में रहते हैं और आत्मीय रेसिडेंसी में रहते हैं। हाँ कानपुर के भी हैं, बिहार के भी हैं और गुजरात के भी हैं, और लुखे हैं सब। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभम उपाध्याय, भरूच।